नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं रिव्यू विद विकास। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास है फोर्ड इको स्पोर्ट और मैं इस टाइम अपने फोर्ड इको स्पोर्ट में ही बैठा हूं और आज मैं इसका एक टेस्ट करने वाला हूं। जी हां, ये देख रहे हैं आरपीएम। आज मैं इसके टॉर्क का टेस्ट करूंगा और वो टेस्ट क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूं कि मैं बिना एक्सीलेटर पे पैर रखे या ये कहूं कि बिना एक्सीलेटर दबाए क्या ये मेरी गाड़ी फर्स्ट से फिफ्थ तक जा सकती है। बस यही टेस्ट करेंगे कि बिना एक्सीलेटर के क्या ये जा सकती है। तो शुरू करते हैं। अभी फिलहाल मेरा एसी चल रहा है तो मैं बंद कर देता हूं इसका एसी, और एसी हो गया है बंद जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अब हम शुरू करेंगे इसका टॉर्क टेस्ट कि क्या है। सीट बेल्ट देख सकते हैं आप, सीट बेल्ट मैंने लगाई हुई है और यही मैं आपसे भी बोलता हूँ कि सीट बेल्ट प्लीज लगा के रखिए आप लोग भी, ताकि सेफ्टी इज़ द मेजॉरिटी। तो शुरू करते हैं कि टॉर्क का टेस्ट कैसे होता है। तो ये देखिए, ये मेरा पैर है और ये मेरा लेफ्ट पैर है जिससे मैं क्लच को प्रेस करूँगा, और ये है मेरा राइट पैर जो एक्सीलेटर पे, ये आप देख पा रहे हैं एक्सीलेटर, ये देखिए ये ब्रेक, ये एक्सीलेटर। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं ये पैर जो है इसको यूज़ नहीं करूँगा और देखते हैं कि क्या ये बिना एक्सीलेटर दिए क्या ये फर्स्ट गियर से फिफ्थ गियर तक जा सकती है। तो चलिए दबाते हैं क्लच और लगाते हैं पहला गियर। अभी भी आप देख सकते हैं कि 1000 आरपीएम पे है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि कितने दूर तक जाती है। ठीक है, मैंने हैंडब्रेक लगा था, हैंडब्रेक नीचे करता हूँ। अब चलते हैं। मैंने जो है एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखा है बिल्कुल भी, और ये देख पा रहे होंगे कि आप जो आरपीएम है वो मिनिमम है 1000 पे ही। अब ये फर्स्ट गियर पे चल रही है गाड़ी, देख पा रहे हैं फर्स्ट गियर। अब मैं इसको करता हूँ सेकेंड, ये हो गई सेकेंड। अब देखते हैं कि स्पीड थी उस पे 5 किलोमीटर की, सेकंड पे आते ही ये स्पीड बढ़ रही है इसकी। देखते हैं ये कितने पर जाती है, ये लगभग 15 के आसपास पहुंची है। अब लगाते हैं हम थर्ड गियर, है ना कमाल का फीचर। देखिए अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि आरपीएम जो है वो इतना ही है, स्पीड हो गई है 20। अब लगाते हैं फोर्थ, अभी भी आरपीएम आप देख पा रहे हैं थोड़ी सी कंपन महसूस हो रही है, होने लगी है इसमें, और स्पीड हो गई है 20 की बिना एक्सीलेटर दिए। ये देख सकते हैं मेरा जो लेग है ये मैं बिना एक्सीलेटर पे पैर रखा हूं और ये चल रहा है। अब लगाते हैं फिफ्थ, ये देखिए लग गया है फिफ्थ बिना एक्सीलेटर। आरपीएम आप देख सकते हैं कि बिना एक्सीलेटर पे है गाड़ी चल रही है और स्पीड पहुंच गई है 30। तो ये है मजेदार, अगर आपकी गाड़ी में ये फीचर है या ट्राई करिएगा, अगर होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए।